नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने दूसरी कविता पढ़ा रही हूँ, तोड़ती पत्थर, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी को हम जो उनका जो उपनाम है वो है निराला, ठीक है। तो उनका उन्होंने हमेशा अधिक से अधिक जो वे कहेंगे कि ये यथार्थवादी कवि थे। वे यथार्थवादी कवि का अर्थ है कि वे सच्चाई समाज में जो जो भी रिवाज है, प्रथा है, जो चल रहा है समाज में, जो कठिनाइयाँ हो रही है, जो कष्ट हो रहा है या जो रिवाज है, उसको वो कविता या एकांकी में दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कवि जो कविता लिखते हैं वो क्या है, समाज में होने वाली जो भी भाव कहेंगे उनके बारे में वे उन्होंने लिखा है। तो आज भी जो मैं पढ़ा रही हूँ तोड़ती पत्थर, ये यथार्थवादी पाई गई है। वे काल्पनिक कल्पना से जो है बहुत दूर रहते हैं, अर्थात वो काल्पनिक कविताएं नहीं लिखते, ठीक है। जो भी लिखते हैं यथार्थ सच्चाई लिखे, यथार्थ का अर्थ है सच्चाई लिखना, सत्य लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वे जो है अधिक से अधिक क्या दिखाते हैं कि जीवन के अभाव को कविता की ताकत बनाते हैं वे, ठीक है। जीवन में जो अभाव है, जो भी भाव हैं, उनको क्या है कविता की ताकत बनाते हैं। तो यहाँ पर और ये जो थे ये छायावादी कवि थे, और उनकी जो कविताएं हैं वो बोलते चित्र हैं, ठीक है। और इनका जो खास बातें मैंने कहा ना, उनकी जो खास बात है कविताओं में, जो खास बात है वो यह है कि वो कल्पनाओं से क्या है कविताएं नहीं लिखते, वे सत्य पर आधारित कविताएं लिखते हैं। तो अब जो है और जब भी अब ये जो कहानी है, ये जो सॉरी कविता है, वे एक लेबर की है, एक अच्छा जो काम करने वाली औरत, जो सड़क पर चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाले हो या फिर कम मजदूरी करने वाली औरत, ठीक है, लेबर अर्थात मजदूरी करने वाली औरत की कहानी है यहाँ पे, जो पत्थर तोड़ रही है, मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है खड़ी धूप में। तो अब पहले हम उनका जो है परिचय पढ़ेंगे, बाद में इस कविता में क्या उन्होंने बताया है वो लिखे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि लेबर जो है वो कितना, जो मजदूर है वो कितना हार्डवर्क करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, ये हमें इस कहानी इस कविता से पता चलता है, ठीक है। तो अब मैं जो संक्षिप्त में पहला उनका परिचय पढ़ूंगी, फिर बाद में उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ूंगी, और उन्होंने इस कविता में क्या बताया है, क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम परिचय देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म सन 1896 में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। अल्प आयु में आपकी माता की मृत्यु हुई। पत्नी तथा पिता के असामायिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व संघर्षशील हो गया। आपका निधन सन 1961 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुमृता, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास आदि। अब ये जो रचनाएं बताए हैं इसमें से मुझे सबसे अधिक रचना लगी कुकुमृता, बहुत ही अच्छी है। आप लोग पढ़े वो कविता तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है। और अधिकतर जो है इनके रचनाओं में कई फिल्में बनाई गई है, जैसे आराधना ये फिल्म बनाई गई है, ठीक है, अनामिका इस पर भी फिल्म बनाया गया है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म है ये भी। तो इन्होंने ये भी कहानियाँ लिखी है। अब निरालक के आपके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। निराला जी की भाषा में ओज है, प्रवाह है, कसक है और गरिमा है, ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और सही में मानो तो यही है उनकी कहानियों में या उनके कविताओं में, ठीक है। अब ये जो कविता लिखे हैं उसमें क्या बताया गया है हम वो पढ़ेंगे, क्या है इसमें, क्या बात है जिसकी वजह से ये मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैं भी कॉलेज गई हूँ तो तब से ये कविता पुस्तक में छपी हुई है, तो आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये इतनी प्रसिद्ध हुई है, तो ये इसमें है क्या कविता में देखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्रण अंकित हुआ है।
गर्मियों की तपती दोपहर में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक और तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अटालिकाओं का अर्थ है बिल्डिंगों में विश्राम कर रहा है और दूसरी ओर मध्यम के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, एक और तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो जहाँ पर लोग क्या है आराम से विश्राम कर रहे हैं, उन्हें किसी बात का क्या है दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, कठिनाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है। और तो एक और क्या है भगवान की कैसी रीति है, एक और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोगों को रखता है तो दूसरी ओर क्या है खाने पीने के लिए लोगों को तरसाता है भगवान। तो दूसरी ओर जो है जो मजदूर है जो पत्थर तोड़ रही है उसका कवि ने क्या किया है विवरण किया है, अर्थात वो किस तरह से है, कितना परिश्रम कर रही है, क्या दुख झेल रही है, इसके बारे में कवि ने कुछ बताया है। तो ये भगवान का क्या कहेंगे, कैसी दृष्टि है मुझे नहीं पता, एक को इतना पैसा देता है तो एक को एक पैसे के लिए तरसाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने भी वही दिखाया है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में आराम से रह रहे हैं लोग, उन्हें किसी की चिंता नहीं है कि बाहर कोई धूप में इतनी तेज़ धूप में पत्थर तोड़ रहा है, शायद उसको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी या छांव चाहिए, कुछ उनको किसी का दर्द नहीं है, बस अपना मज़ा अपने मज़े में है वो लोग। तो दूसरी ओर जो है एक मजदूर बोलेंगे, एक जो लेबर है जो काम करने वाली है वो औरत का जो है यहाँ पर चित्रण क्या है कि उसे भी क्या है छायादार पेड़ नहीं मिल रहा, फिर वो क्या है अपने कार्य में क्या है मगन है, उसे उन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का भी क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो देख रहे हैं नहीं देख रहे, चिंता कर रहे नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपने कार्य में क्या है मगन है। तो यहाँ पर ये एक दिया गया है, हम पढ़ेंगे पहले तो मैं आप लोगों को क्या है बताती चलूँगी, ठीक है। पहले वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन बरबंधा यौवन तन नयन प्रिय कर्म रत्न मन। अब यहाँ पे मैं जो है कठिन पहला जो शब्द है उसके अर्थ बताती चलूँगी। वह तोड़ती पत्थर स्टोन देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पथ पर का अर्थ है रास्ता, तले का अर्थ है नीचे पेड़ के नीचे, स्वीकार का अर्थ है एक्सेप्ट करना, श्याम का अर्थ है सांवला तन बदन शरीर, ठीक है सांवला शरीर, यौवन जवानी, ठीक है नत नयन का अर्थ है झुकी हुई नजरें, झुकी हुई निगाह, ठीक है जो भी नज़र झुकी हुई नज़र आँखें, ठीक है ऐसा लिख सकते हो झुकी हुई आँखें। प्रिय कर्म रत्मन कर्म का अर्थ है काम, रत्न का अर्थ है रत का अर्थ है डूब जाना, एकदम काम में डूब जाना, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि इलाहाबाद के पथ पर जो है रास्ते पर जो है वो पत्थर तोड़ रही, वह का अर्थ है वो नारी, ठीक है। तो वह नारी जो है इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही है, प्रश्न पूछा जाएगा नारी कहाँ पत्थर तोड़ रही थी तो इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। कोई ना छायादार अर्थात वहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जिस पर बैठकर वो थोड़ा सांस ले, जिसके पेड़ के नीचे बैठकर वो थोड़ी छांव ली ले, ठीक है वो थोड़ी थकान दूर करे, तो वहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे वो बैठकर थकान दूर करे या सांस ले थोड़ी सी छांव ले छाया ले, ऐसा कोई पेड़ नहीं था। और क्या है श्याम तन श्याम अर्थात उसका बदन जो था उसका जो शरीर था वो सांवला था, भरवंदा यौवन तो वो जो थी यंग थी बूढ़ी नहीं थी यंग थी जवान थी और उसका शरीर जो था सांवला था,
नत नयन प्रियकम रत्मन, और वो जो है नयन आँखों को झुकाए, नीचे झुकाए, क्या है, काम में मगन थी, काम में पूरी डूब गई थी, काम जो है वो अपने इंटरेस्ट से कर रही थी, उसे किसी का भी ख्याल नहीं, किसी पर ध्यान नहीं है उसको, मुझे छायादार पेड़ है नहीं है कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस अपनी आंखें नीचे किए वो क्या है, काम में व्यस्त है, अपने काम में मगन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पंक्ति का अर्थ इतना ही है कि वो इलाहाबाद के पथ पर क्या है, पत्थर तोड़ रही है, जहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है, जिस पर वो थोड़ी सी सांस ले, थोड़ा छांव ले, थोड़ी थकान दूर करे, ऐसा पेड़ नहीं था, ट्री नहीं था, और क्या है उसका बदन जो है शाम था, अर्थात शाम नहीं लिखेंगे, सांवला बदन था, और यंग थी वो, जवान थी, मगर उसकी आंखें जो है झुकी हुई थी, काम में वो क्या है व्यस्त थी, काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी, उसका ध्यान कहीं पर भी नहीं था। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरा, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अटालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा अर्थात बहुत बड़ा, हथौड़ा का अर्थ है हैमर। ठीक है, हथौड़ा जो हम मारते हैं खिला वगैरह, या फिर अब यहाँ पर तो पत्थर तोड़ रही है, तो वो भी एक तरह का बड़ा हथौड़ा होता है, हैमर कहते हैं उसे, तो वो बड़ा हथौड़ा जो है उसके हाथ में है, और करती बार बार प्रहार अर्थात वो पत्थर पे बार बार मार रही है उस हथौड़े को। ठीक है, उस हथौड़े को क्या कर रही है, पत्थर पे बार बार वार कर रही है, मार रही है, अर्थात वो पत्थर तोड़ रही है। सामने तरु मलिका अटालिका प्रकार अर्थात क्या है, सामने जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। ठीक है, अटालिका का अर्थ है बिल्डिंगे हैं, और वो उस बिल्डिंगों के आजू बाजू हम भी देखते होंगे, हमारे भी घर में देखो, हम छोटा सा गार्डन करते हैं, आजू बाजू क्या है थोड़े पौधे पेड़ लगाते हैं, नारियल का पेड़ लगाओ या फिर कौन सा भी पेड़ लगाते हैं हम, क्यों, शो के लिए। वैसे ही बिल्डिंग के भी चारों ओर जो है पेड़ है, ट्रीज है, पौधे हैं, प्लांट्स है, बिल्डिंग के आजू बाजू चारों ओर है, इसकी तरफ नहीं है, रास्ते में नहीं है, मगर बिल्डिंग के चारों ओर शो के जो बोलेंगे या फिर ऐसे ही छांव के लिए बोलेंगे, क्या है बिल्डिंग के अटालिका अर्थात क्या है, बिल्डिंग के आजू बाजू चारों ओर क्या है ट्रीज है, पेड़ है, लगे हुए हैं। ठीक है, मगर वो क्या है अपना काम में क्या है, अपने काम में व्यस्त है, उसके हाथ में हथौड़ा है जिससे क्या है वो बार बार क्या है पत्थर तोड़ रही है, और बिल्डिंग के क्या है चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसे क्या हो रहा है, उसे तो छाया नहीं मिल रही है, वो तो रास्ते पर है, बड़ी धूप में है, सूर्य की जो किरणें हैं उसके सर पर पड़ रही है, उसे कहाँ कहीं पर भी क्या है छायादार पेड़ नहीं है, मगर बिल्डिंग के चारों ओर क्या है पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर वही बताया हुआ है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू, रुई जीव जलती हुई भू, गर्दन चिंगी छा गई प्रह हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब इसके मैं अर्थ बताती चलूं, गर्मियों के दिन का अर्थ है समर का। ठीक है, दीवा का अर्थ है सन, तमतमाता अर्थात बहुत ही वेरी हॉट कहते हैं ना, बहुत ही गर्म। ठीक है, झुलसाती हुई लू, लू का अर्थ है गर्म हवा, लू का अर्थ है गर्म हवा। रुई ज्यू जलती हुई भू, रुई का अर्थ है कॉटन, भू का अर्थ है धरती। गर्दन चिंगी छा गई, गर्दन चिंगी अर्थात धूल के कण जो रहते हैं, ठीक है वो क्या है कण जो धूल के जो कण है वो क्या है उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे गर्दन चिंगी छा गई अर्थात चारों ओर क्या है धूल ही धूल क्या है छाया हुआ था। गर्मी से जो भी अब तुम लोग राजस्थान देखे होंगे, शायद राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, सूर्य तो सर पर रहता है, तो वहाँ पे जो हवा उठती है तो क्या है वो सैंड जो रहता है या फिर बालू कहते हैं जो रेत है वो क्या है उसे
हवा में उड़ते हुए देखा है हम लोगों ने। तो इसी तरह जो है यहाँ पे कवि कह रहा है कि धूल का जो कण कण जो होता है, धूल के जो कण होते हैं वो क्या है, उड़ रहे हैं, तो वह तोड़ती पत्थर। तो अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तेज गर्मी के साथ गर्म हवा चल रही है। मैंने बोला ना कण, धूल का कण जो बोल रहे हैं, जो बोला है मैंने वही, तो तेज हवा जो है चल रही है यहाँ पे, ठीक है, गर्मी, तेज गर्मी है और उस तेज गर्मी के साथ जो है गर्म हवा भी चल रही है। जो जब बहुत गर्म हवा चलती है तो उसे, और जब गर्म हवा जो चलती है, जो धूल का कण होते हैं और हवा जो चलती है, मैंने कहा रेगिस्तान में जो है जब हम हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, तो क्या है, सैंड हो, बालू हो या रेत है, वो जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, किसी किसी आंखों में जाता है या फिर कभी कभी तो सामने रास्ता नहीं नज़र आता, इस तरह से वहाँ हवा चलती, तो उसको कहते हैं लू, ठीक है। लू किसे कहते हैं, जो गर्म हवा चलती है जिसके धूल के कण उड़ते हैं, तो उसे कहते हैं लू। तो यहाँ पे कवि यही कह रहा है कि तेज गर्मी के साथ जो है गर्म हवा चल रही है और तेज हवा के साथ गर्म हवा चल रही, अधिक चल रही है, और धरती ऐसी जल रही है जैसे मानो क्या है, रुई जल रही हो। जैसे क्या लगता है, जैसा मानो आग में रुई जल रही है। तो धरती इतनी, तुम कभी धूप रहोगी या आफ्टरनून खड़े रहो, तुम सूर्य सर पर रहेगा तो तुम रास्ते पे खड़े रहो तो तुम्हारे पैर कितने जलेंगे, तुम खाली पैर नहीं चल, बिना चप्पल के तुम चल नहीं पाओगे, इतनी धरती जलती है। तो गर्मी का सीज़न था और उसमें क्या है, धरती भी क्या हो गई थी, जल रही थी, इतनी तेज़ हवा भी चल रही है और धरती भी जल रही है। और ऐसी स्थिति में वो क्या कर रही है, धूप होने के कारण ऐसी स्थिति होने पर भी वो क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। उसको ना क्या कहेंगे, छांव मिल रहा है, ना ठंडी हवा आ रही है, बस ज़मीन, धरती जो इतनी जल रही है, भूमि जो है इतनी जल रही है, और आकाश पे क्या है, सूर्य है, और क्या है, धूल का कण अर्थात क्या, लू चल रही है, अर्थात तो गर्म हवाएं चल रही है गर्मी में। ऐसी स्थिति में भी क्या है, वो पत्थर तोड़ रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने काम में क्या है, मगन है, और वो क्या है, अपने काम में, अपना शरीर, अपना मन, मस्तिष्क सब क्या है, अर्थात काम में लगा दी है, व्यस्त हो गई है, मगन हो गई है इसमें, ठीक है, बिजी रखा है उसने। ना उस उसके पास छाया दे पेड़ था और ना, और तेज़ धूप में अपने काम में व्यस्त कोई उसका हाल तक पूछने वाला ना था। तब वो इतनी तेज़ धूप है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनके फिक्र नहीं है कि बाहर कोई मजदूर कर रही है, औरत नारी जो है मजदूर कर रही है, मजदूरी कर रही है, तो कुछ पानी तो पूछा जाए, कुछ फर्क नहीं है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, और उसे भी ना किसी की परवाह है, इतनी धूप आ रही है सूर्य पर, सर पर क्या है, सूर्य है, और धरती क्या है, जल रही है, और लू चल रही है अर्थात गर्म हवाएं चल रही है इतनी गर्मी में, मगर वो क्या है, अपने काम में क्या है, पूरी तरह से व्यस्त है, अपने काम में मगन है, अपना शरीर, अपना मस्तिष्क, अपना मन, सभी कुछ वो क्या है, अपने काम में डूब गई है वो सब से, अर्थात इतना मगन हो गई है, इतना व्यस्त हो गई थी, उसे किसी की भी परवाह नहीं है, वो किसी पर भी ध्यान नहीं दे रही है, बस अपने काम से, काम में मगन है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। अब यहाँ पे जो है कठिन शब्द के अर्थ जो है, भवन, भवन का अर्थ है घर जो है, या फिर हाँ घर ही कहेंगे, छिन्न तार अर्थात टूटा हुआ, टूटा हुआ वायर बोलो या फिर
अधिक उदास होना, ठीक है, छिन्नता अर्थात अधिक उदास होना, अधिक दुखी होना, ठीक है, दृष्टि नजर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वे कहते हैं, कवि त्रिपाठी जी कहते हैं कि महिला ने कवि को देखते हुए देखा, अर्थात कवि पूरी तरह से क्या है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है, एक तरह से पूरी तरह से उसे ध्यान से देख रहे हैं कवि कि वो क्या कर रही है, कितनी मगन है वो कार्य में। तो वो देखते जा रहे हैं कि वो क्या करती है, क्या हो रहा है उसके साथ। तो वो देख रहे हैं करके जब नारी को शायद पता चलता है, पता नहीं, तो नारी क्या है, उसे देखते हुए देखती है, अर्थात उसको ऑब्जर्व करते हुए देखती है नारी, ठीक है, देखते हुए देखा, बस एक बार एक नज़र देखा और फिर मुझे देखकर भवन की ओर देखने लगी। और फिर कवि को वो देख रही थी तो उसका मुख पर करुणा झलक रही थी। तो उसने क्या किया, एक नज़र जो है कवि को ऐसे देखा, फिर कवि को देखते ही उस बिल्डिंग्स अर्थात भवन को देखा, ठीक है, और बाद में जो है फिर उसने क्या है, फिर उसने कवि को देखा तो उसके मुख पर जो है उस करुणा अर्थात दर्द जो है झलक रहा था। क्या भगवान का ये नियम है कि एक को वो क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आराम से रख रहा है तो मुझे इस तरह से, तो एक करुणा जैसे क्या कहेंगे, झलक उसे दिखाई दे रही थी, मुख पर जो है करुणा जैसी झलक दिखाई दे रही थी कवि को। कवि को ऐसे जान पड़ता था कि वो बता रही है, मानो देखो मैं अपने जीवन इतने कष्ट सह रही हूँ, मगर मैं फिर भी इतना कष्ट, इतना दुख रहते हुए भी मैं क्या है, आंसू नहीं बहा रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ। तो वो कवि को वही बताना चाहती है कि देखो मुझे, मैं इतना कष्ट सह रही हूँ, इतना इतनी कठिनाई सह रही हूँ, इतना दर्द सह रही हूँ, इतना दुख सह रही हूँ, फिर भी मैं नहीं रो रही हूँ, फिर भी मेरी आंखों में क्या है, आंसू नहीं है, इतना मुझे क्या है कष्ट होते हुए भी, ठीक है, इतना ही है। अर्थात वो कवि को समझा रही है कि मुझे दुख कष्ट आदि होते हुए भी क्या है, मैं क्या है रो नहीं पा रही हूँ, मैं क्या है उन सभी दुखों को, उन सभी कष्टों को क्या सह रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे क्या है रोना नहीं आ रहा, मुझे आंसू नहीं आ रहे, मैं उन सभी दुखों को, उन सभी कष्टों को क्या है सह रही हूँ। इतनी ही यहाँ पर पंक्ति का भावार्थ है। ये जो कवि देखता है नारी को, उसके करुणा को, उसके हाव भाव को, तो कवि को ऐसा लगता है कि वो बता रही हैं कि उसके मन में जो दर्द का जो एहसास है, ठीक है, अर्थात जब सितार वादक जो है सितार बजाता है तो वो जो धुन एक दर्द से जो है उठती है, मन में उठती है। अगर कोई समझो, फॉर एग्जाम्पल बोलती हूँ या उदाहरण बोलती हूँ, कोई भी एक दर्द भरा गीत गाता है या फिर कोई भी क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंट बजाता है या कोई सितार बजाता है, तो वो जो दर्द भरी धुन निकालता है वो सीधे हमारे मन को छूती है। तो उस दर्द को हम क्या करते हैं, फील करते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं उस दर्द को, हमको क्या होता है उसके दर्द से, हमें क्या होता है अनुभव होता है उसके दर्द का। तो इसी तरह कवि को भी क्या है, उसके आव भाव उसके चेहरे को देखकर क्या है कवि को भी क्या होता है मालूम हो जाता है कि ये जो है उसके दुख को वो क्या करते हैं, फील करते हैं, अर्थात रियलाइज़ करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद यहाँ पर इतना ही बताया और आगे देखेंगे। सजा सहज सितार
सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वो कांपी सुगर, ढुलक माथे से गिरे शिखर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो मैंने कहा ना, कोई भी अगर पहले मैं कठिन शब्द के अर्थ बता दूँ, सजा, डेकोरेट, सहज, नेचुरल, सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, झनकार, झनक, ठीक है, एक क्षण, एक सेकंड, एक पल, कांपती सुगर, शिवरिंग, ढुलक, गिर जाना, सिकर, पसीना, सिकर का अर्थ है पसीना, लीन अर्थात डूब जाना, काम में डूब जाना, कर्म, काम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजता है तो हमारे दिल को कैसे फील होता है उसकी, मैंने बताया ना तभी, तो वही वो कह रहे हैं, उसी तरह क्या है हमारे मन को भी क्या है, मन में एक फीलिंग होती है उसके दर्द की, ठीक है, एक एहसास होता है उसके दर्द का, अर्थात वो दर्द की फीलिंग होती है हमें, तो दुख का भी क्या है उसे फील होता है, कवि को फीलिंग होती है उसके दर्द की, उसके दुख की, उसके करुणा की, ठीक है। और माथे पर से पसीना गिर रहा है, अब क्या है कुछ समय बाद क्या है वो थोड़ी देर के लिए कांपती है, ऐसे ऐसे कांप जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में क्या है उसके माथे से क्या है पसीना, सिकर का अर्थ है पसीना, उसके माथे से जो है पसीना गिर रहा है नीचे, ठीक है। और अब फिर भी वो क्या है वो अपने काम में क्या है जुट गई है, वो पसीना गिर रहा है फिर भी उठकर क्या है वो अपने काम में जुट जाती है। यहाँ कवि ने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बारे में कहा है कि उच्च वर्ग के लोगों लोग जो है अपने घरों में मस्त में रहते हैं, परंतु निम्न वर्ग के लोग जो हैं दो पैसे कमाने के लिए कड़ी धूप, कड़ी मेहनत और कितना काम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। यहाँ पर उन्होंने यही डिफरेंस बताए हैं कवि ने, और इस कविता द्वारा जो है कई सभी राज्यों की क्या है सभी राज्यों में ये सब होता है, एक गरीब, एक अमीर, एक ऊंच, एक नीच, ये सब भेदभाव हो रहे हैं। तो हमें वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कभी कि ऊंची ऊंची इमारतों में, बिल्डिंगों में क्या है आराम से मस्त में लोग क्या है रहते हैं, और यहाँ पे निम्न वर्ग के जो वर्ग लोग हैं वो किस तरह से परिश्रम करते हैं सिर्फ दो पैसा कमाने के लिए, कितनी मेहनत करते हैं, उन्हें कोई नज़र उठाकर उनसे सहानुभूति की दो बातें नहीं करता, कोई उन्हें सहायता नहीं देता, सहारा या सहायता नहीं देता, कोई उनके अश्रु पोंछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने इतना ही बताया है, इसीलिए फिर वो क्या है अपने में वो नारी जो है अपने काम में व्यस्त हो जाती है, अर्थात वो पत्थर फिर तोड़ती रहती है। बस इतनी ही यहाँ पे ये है इसका भावार्थ है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्या है ये भावार्थ समझ में आए होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, तुम भावार्थ को अच्छे से समझ लो। अब आज्ञा चाहती हूँ, नमस्ते।